कलर्स चैनल पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल नागिन 3 की कहानी में बीते दिनों दर्शकों को कुछ धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिले। माहिर ने जहां इस दुनिया को अलविदा कह दिया, तो वहीं सीरियल में एंट्री हुई क्रिश की। और अब क्रिश की पहचान को लेकर सोशल मीडिया पर नई जानकारी सामने आई है। कुछ रिपोर्ट्स में इस बारे में बताया गया है कि क्रिश ही हुजूर है, जो हूबहू माहिर की तरह दिखता है, जिसे पहली नजर में कोई भी देखेगा तो माहिर ही समझ बैठेगा। वो दूसरों को माहिर जैसा ही लगेगा, लेकिन उसकी असलियत कुछ और ही है, उसका मकसद कुछ और ही है। वो एक साजिश के तहत इधर आया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर कौन है ये हुजूर और ये क्या करने आया है बेला की जिंदगी में, वो भी ऐसे वक्त पर जब बेला पहले से ही दुश्मनों से घिरी हुई है। गॉसिप्स के गलियारों से ये खबर सामने आ रही है कि हुजूर का मकसद ठीक सुमित्रा की तरह नागमणि को हासिल करना है, नागमणि की ताकत को अपनी मुट्ठी में करना है, ताकि नागलोक पर कब्जा किया जा सके, नागलोक पर हुकूमत चलाई जा सके। इसी मकसद के साथ हुजूर बेला की जिंदगी में आया है। नागमणि की अद्वितीय शक्तियों के चलते वो पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहता है। उसके मंसूबे सुमित्रा से अलग नहीं है। जैसे सुमित्रा नागमणि हासिल करना चाहती है, नागमणि के लिए बेला से लड़ाई कर रही है, ऐसे में आप देखेंगे कि ये सुमित्रा को मोहरे की तरह इस्तेमाल करेगा, ताकि नागमणि इसके हाथों में हो। हालांकि बेला अभी इस सच्चाई से अनजान है। उसे लग रहा है कि क्रिश माहिर का जुड़वा भाई है। क्या होगा जब बेला के सामने क्रिश की सच्चाई आएगी? हुजूर के चेहरे से पर्दा उठेगा? हुजूर के असली मकसद के बारे में जब बेला को पता चलेगा, तो कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा? इन सब का पता सीरियल के आने वाले एपिसोड से चलेगा। टेलीविजन जगत से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।